एक भिक्षुक और उसकी पत्नी रहते थे सरयू नदी के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर में। इस गरीबी अभाव में उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। भिक्षुक की पत्नी की बहुत इच्छा हुई किसी लड़की या लड़के को गोद लेने की, पर उनकी गरीबी के कारण किसी ने उन्हें लड़का या लड़की गोद लेने को अनुमति नहीं दी। भिक्षुक गरीब होने के बाद भी बहुत सहन शक्ति वाला था। एक दिन वह अपने मिट्टी के घर के बाहर बैठा था और उसी समय उसके सर के ऊपर से एक कौवा उड़कर जा रहा था और उसके मुंह से टपक कर गिरा एक छोटा सा पतला सा चूहा। भिक्षुक की पत्नी ने उस चूहिया को देखा, उठाया और स्वस्थ कर दिया। उसके बाद अपनी पति के सामने कुछ बातें कही। इस चूहिया को एक छोटा सा बच्चा बना दो ना। ठीक 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 है, तुम जिसमें खुश हो वही होगा। मंत्र पढ़कर पानी छिड़क कर इस चूहिया को लड़की बना देता हूँ। प्यार से उन्होंने बेटी का नाम चूहिया बाला रखा। अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर उन्होंने चूहिया बालों को बड़ा किया। इसके बाद बेटी की शादी के लायक होते ही अच्छे लड़के की खोज शुरू हो गई। तुम्हारी जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से एक लड़का ढूंढो ना। जरूर जरूर, मेरे अनुरोध करने से तो खुद सूर्य देव आएंगे हमारी लड़की से शादी करने। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं चाहूँगी कि सूर्य ही हमारी बेटी से शादी करके हमारा दामाद बने। अब अपनी बात का प्रमाण दीजिए। लड़की से शादी करने के लिए जैसे ही अनुरोध किया, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी, आपका पसंद किया हुआ पात्र बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसका तेज बहुत ज्यादा है। क्या इससे भी अच्छा कोई और महान नहीं है? भिक्षुक सोच सोच कर मरे जा रहा था। सूर्य से भी ज्यादा अच्छा पात्र कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से मेघ मुझसे भी अच्छा और शक्तिशाली है। मेघ तुम्हारा पति होगा तो कैसा रहेगा? पिताजी, ये पात्र भी अच्छा है, पर क्या आपको इसका रंग कुछ ज्यादा काला नहीं लग रहा? इससे भी अच्छा और इससे भी शक्तिशाली कोई और नहीं है क्या? वायु को मुझसे भी अच्छा और मुझसे ही शक्तिशाली कहा जा सकता है। कितनी बार वो मुझे धक्का देकर किसी कोने में जाकर पटक देता है। पिताजी, इसको देखकर लगता है कि इसका मन स्थिर नहीं रहता। इससे भी अच्छा और इससे भी शक्तिमान और कोई नहीं है क्या? चिंता मत करिए, पहाड़ मुझसे भी बड़ा और शक्तिशाली है। कारण, मेरे इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी मैं पहाड़ को हिला भी नहीं पाता, जरा सा भी नहीं हिला पाता। पिताजी, ये पात्र तो बहुत अनाड़ी है। इससे भी ज्यादा अच्छा, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई और नहीं है क्या? है ना, एकमात्र चूहा ही तो है। सिर्फ वही तो मेरे शरीर में छेद करने की हिम्मत कर पाता है। तुम्हारी इतनी महत्वाकांक्षी लड़की के साथ वही मेल खाता है। अरे पिताजी, इस साहसी युवक जैसा और कौन है? यही सबसे महान है। इनसे जल्दी से मेरा विवाह करा दीजिए। तो बहुत ही दुख की बात है। मैं उसके लिए सबसे अच्छा पात्र चाहती थी, पर अब मैं देख रही हूँ कि उसने जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया उससे ही विवाह किया।